हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने पहले अपनी क्लास में उत्तर प्रदेश स्पेशल की पहली क्लास में बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, और जो बाकी की बची हुई चीज़ें हैं वो हम आज की क्लास में फटाफट से जल्दी से रिवाइज कवर कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। और यहाँ पर हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जो है खनिज वन संपदा एवं वन्य जीव परिदृश्य से उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रदेश की जो पहली खनिज नीति है वो हम देखेंगे 29 दिसंबर 1988 को घोषित होती है। यहाँ पे कुछ खनिज दिए हुए हैं और उनके प्राप्ति के क्षेत्र दिए हुए हैं, और जैसे कि हमारा क्वेश्चन बनता है कि एक तरफ खनिज दे देगा, एक तरफ और उनके जो प्राप्ति के क्षेत्र हैं वो दे देता है और फिर मिलान करने के लिए बोल देता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे चूना पत्थर, संगमरमर, बेराइट्स और एंडालोसाइट्स, ये हमारे मिर्ज़ापुर क्षेत्र में पाया जाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं मिर्ज़ापुर में हमारा डोलोमाइट भी पाया जाता है। तो इससे हमें क्या दिख रहा है कि जो मिर्ज़ापुर क्षेत्र है वो हमारा खनिज उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही धनी क्षेत्र है। और फिर कोयले की बात करेंगे तो कोयला हमारा सिंगरौली बेसिन सोनभद्र में पाया जाता है, मैग्नेसाइट वाराणसी बांदा में, ग्रेफाइट हमीरपुर से, और डोलोमाइट जो है वो हमारा मिर्ज़ापुर सोनभद्र बांदा इन क्षेत्रों में पाया जाता है। कांच बालू जिसको हम सिलिका सैंड बोलते हैं वो शंकरगढ़ इलाहाबाद से मिलती है। पैराइट्स सोनभद्र, फायर क्ले ये भी सोनभद्र से हुए। आप आगे देखेंगे कि जो एस्बेस्टस है वो हमारा मिर्ज़ापुर में, और सैंड स्टोन वो भी मिर्ज़ापुर में है। तो मिर्ज़ापुर जो है हम देख सकते हैं कि जो खनिज उत्पादन की तरह से वो क्या है, काफ़ी धनी क्षेत्र है। अब यूरेनियम की बात करेंगे तो यूरेनियम उत्पादन का जो क्षेत्र है वो हमारा ललितपुर है। ये क्वेश्चन क्योंकि बनता है इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दिखा दिया है कि यूरेनियम जो है वो ललितपुर में पाया जाता है। यूरेनियम, तांबा, फास्फेट, रॉक और पैलोडियम, प्लैटिनम, डायस्पोर जो है वो कहाँ पे है, ललितपुर में। डायस्पोर के उत्पादन में क्या है, उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है। अब सामाजिक वानिकी योजना जो कि हमारी 1979-80 की है, सामाजिक वानिकी योजना इसका उद्देश्य क्या था, इसका जो उद्देश्य है वो है वृक्षों के उत्पादन को प्रोत्साहन देना। सामाजिक वानिकी योजना का जो उद्देश्य है वो क्या था, वृक्षों के उत्पादन को प्रोत्साहन देना। अब उनमें से कौन से वृक्ष आ गए, जलाऊ लकड़ी है तो यूकेलिप्टस का, रेशम हेतु सहतूत का, कागज व लुगदी के लिए सहजन का, रेयान व माचिस के लिए अर्जुन का, चीड़ वृक्ष, विरोजा तारपीन का तेल और सेमर कुरेल जो है वो माचिस की तीली के लिए, काजू अखरोट प्लाईवुड के लिए, एलेंथस पॉपुलर पल्प एम रेयान उद्योग के लिए। अब ऑपरेशन ग्रीन योजना देख लेंगे। ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 की है। ऑपरेशन ग्रीन योजना वन महोत्सव 1952 में, वृक्ष बंधु पुरस्कार वानिकी योजना जो है 1998 में, और टोटल फॉरेस्ट कवर योजना जो है 2014-15 की है। जो जिसमें टोटल फॉरेस्ट कवर योजना, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो है वो वनों का संरक्षण है, वनों को कवर करने की योजना है। और प्रदेश के सर्वाधिक वन जो है वो हमारे कहाँ पे, भाभर एवं तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज कौन कौन से, रॉक फास्फेट और डोलोमाइट। वन्य जीव संरक्षण 1956 में वन्य जीव परिरक्षण संगठन हुआ। अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश में क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, कौन एक राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1 फरवरी 1977 में इसकी स्थापना हुई। दो प्राणी उद्यान है, एक लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह और दूसरा है कानपुर में एलन फॉरेस्ट जू। गोरखपुर में निर्माणाधीन, गोरखपुर में एक अशफाक खान जो राष्ट्रीय उद्यान है, प्राणी उद्यान है, चिड़ियाघर वो क्या है, बन रहा है। और 11 वन्य जीव विहार, 13 पक्षी विहार है, तो टोटल कितने हो गए, 24 वन्य जीव अभयारण्य है। अब टाइगर रिजर्व देख लेंगे तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि लखीमपुर खीरी में है हमारा, और 1987 से 1988 में क्या हुआ, इसकी स्थापना हुई। और किशनपुर वन्यजीव जो विहार है और कतरनिया घाट जो वन्यजीव विहार है, इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बना था, दुधवा टाइगर रिजर्व। 2012 में जो बिजनौर के अमनगढ़ क्षेत्र, अगर बिजनौर का जो अमनगढ़ क्षेत्र है उसको कार्बेट टाइगर रिजर्व पार्क, जो कार्बेट टाइगर रिजर्व है उसका क्या, बफर जोन घोषित किया गया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो हमारा पीलीभीत में है, और पीलीभीत शाहजहाँपुर जिले में विस्तृत है, तो विस्तार है इसका, तो इसकी स्थापना 9 जून 2014 में हुई थी। अब प्रदेश की वन्य जीव विहार के बारे में बात कर लेंगे। तो सबसे पहला जो वन्य जीव विहार है और सबसे पुराना जो वन्य जीव विहार है वो कौन सा है, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो कि हमारे चंदौली क्षेत्र में पाया जाता है। और सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, और सबसे छोटा जो वन्यजीव विहार है वो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो कि हमारे ललितपुर में है। सबसे नया वन्यजीव विहार की बात करेंगे तो वो कछुआ वन्यजीव विहार है, और यहाँ पे देखिए दिया भी गया हुआ है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि चंदौली में है, सबसे पुराना हमारा है, 1957 में स्थापना हुई। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है 1972 में, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच 1976, रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में, महावीर वन्यजीव विहार ललितपुर
राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा और इटावा क्षेत्र में, कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में, वस्तीनापुर वन्यजीव विहार जो कि मेरठ मुजफ्फरनगर भाबुन और अमरोह बिजनौर क्षेत्र में है, सोहागी वरपा वन्यजीव विहार जो कि महाराजगंज में है, और सोहेलवा वन्यजीव विहार जो कि बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती क्षेत्र में विस्तार है इसका, कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में जो कि हमारा सबसे नवीनतम वन्यजीव विहार है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में ये कुछ जानवर हैं कुछ, तो ये कहाँ पे मिलते हैं। तो जो हाथी है वो हमारे तराई क्षेत्र तो शिवालिक श्रेणियों के वनों में पाए जाते हैं। गैंडा जो है मुख्यतः तराई क्षेत्र में, भूरा रिक्ष हिमालय क्षेत्र के निकट, कस्तूरी मृग हिमालय क्षेत्र के निकट, चिंकारा जो कि विंध्य क्षेत्र के वनों में पाए जाते हैं। प्रदेश के पक्षी विहार के बारे में बात कर लेंगे, तो पक्षी विहार से हमारा क्वेश्चन बन जाता है। तो पक्षी विहार तो सबसे पुराना और सबसे पहला जो पक्षी विहार है वो उन्नाव का नवाबगंज पक्षी विहार है, जिसका वर्तमान में नाम क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। और समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है, लाख बहोसी पक्षी विहार ये कन्नौज में है, सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, पार्वती आरंका पक्षी विहार गोंडा में, समान पक्षी विहार जो कि मैनपुरी में है, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, विजय सागर पक्षी विहार मोहोपा, सुरहाताल पक्षी विहार जो कि बलिया में है, सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में, बेती पक्षी विहार जिसका वर्तमान में नाम क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार ये कहाँ है, कुंडा में है। अब आगे हम बात करेंगे, हाँ सबसे पुराना और सबसे पहला जो पक्षी विहार है जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि नवाबगंज पक्षी विहार जिसका वर्तमान में नाम चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार है, और सबसे बाद का यानी सबसे नवीनतम जो पक्षी विहार है वो बेती पक्षी विहार कुंडा में है। सबसे बड़ा पक्षी विहार की बात करें तो लाख बहोसी कन्नौज में है, सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार जो कि एटा में है। अब काला हिरण संरक्षण केंद्र हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है, तो गभाना एक अलीगढ़ में है काला हिरण संरक्षण केंद्र, और दूसरा क्या है कोराँव इलाहाबाद में है। कुकरैल वन जो है कि हमारे लखनऊ में है, लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव परियोजना ये जो कि एक सामूहिक परियोजना है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और राजस्थान की, और ये कहाँ पे है, ये मगर व घड़ियाल के संरक्षण हेतु परियोजना है, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार योजना। घड़ियाल प्रजनन केंद्र की बात बात करेंगे तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र हमारा कुकरैल वन लखनऊ में है, और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार जो कि बहराइच में है यहाँ पे घड़ियाल प्रजनन केंद्र है। प्रोजेक्ट एलिफेंट सभी को पता है कि 1992 में स्टार्ट हुई थी, एलिफेंट रिजर्व जो है बिजनौर और सहारनपुर का एक एलिफेंट रिजर्व है जो है वो बिजनौर और सहारनपुर का संयुक्त एक एलिफेंट रिजर्व है। अब यहाँ पे बात करेंगे इटावा के फिशर वन में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र और लायन सफारी पार्क का निर्माण किया जा रहा है इटावा के फिशर वन में। तो फिशर वन हमारा कहाँ है, इटावा में, यहाँ पे क्या है बब्बर शेर प्रजनन केंद्र और लायन सफारी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क जो है ग्रेटर नोएडा। कछुआ पुनर्वास योजना जो है वो 1986-87 की है जो गंगा एक्शन प्लान के तहत स्टार्ट हुई कछुआ पुनर्वास योजना। इको डेवलपमेंट प्रोग्राम है क्या ये, इसमें क्या है संरक्षित वनों के निकटवर्ती क्षेत्रों में वन उपज का विकास करना, और इसके अंतर्गत जो शामिल अभयारण्य है वो हमारे कौन कौन से हैं, दुधवा चंद्रप्रभा कैमूर चंबल सुहराताल विजय सागर और रानीपुर समान। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश ऊर्जा के परिदृश्य से देखेंगे हम, तो प्रदेश की जो प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं यहाँ पे दी हुई हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी ये हमारी, तो रिहन जल विद्युत परियोजना जो है वो हमारी रिहन नदी पर है पिपरी सोनभद्र में, ओबरा रिहन नदी पर है ओबरा सोनभद्र में, माता टीला बेतवा नदी पर है कहाँ पे झांसी में। परीक्षा जल विद्युत परियोजना जो है एक बार क्वेश्चन बना हुआ था किसी एग्जामिनेशन में, तो परीक्षा जल विद्युत परियोजना है वो बेतवा नदी पे है कहाँ पे है झांसी में, शारदा नदी पे बनवासा चंपावत जिला उत्तराखंड में, और राजघाट ये भी क्या है बेतवा नदी पर ललितपुर में है। अब अनपराडी ताप विद्युत परियोजना ये कहाँ के हैं, ये किसकी सहयोग से स्थापित की गई थी, तो ये जापान के सहयोग से स्थापित की गई थी। ओबरा और हरदुआगंज की जो स्थापना हुई थी वो हमारे रूस के सहयोग से हुई थी। नहर परियोजना सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थित है वो कौन सी है, ऊपरी गंगा नहर परियोजना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारा कि नहर परियोजना जिस पर सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थित है तो वो कौन सी है, ऊपरी नहर परियोजना। प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र कहाँ पे है, वो नरौरा में है, नरौरा कहाँ बुलंदशहर में, और गंगा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे गंगा नदी के किनारे। तो प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र नरौरा कहाँ, गंगा नदी के किनारे बुलंदशहर में। केंद्रीय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र चिनहट लखनऊ में है, ऊर्जा सिटी लखनऊ, ऊर्जा मुख्यालय भी हमारा लखनऊ है। अब सोलर सिटी आगरा मुरादाबाद,
पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन अगर हमारे प्रदेश में पूछे तो 3 जगह पे है। कहाँ कहाँ पे? गोरखपुर, चित्रकूट, महोबा में। वैकल्पिक ऊर्जा विकास 1983 के हैं, और वैकल्पिक ऊर्जा NEDA विकास अभिकरण इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। गैसो हॉल पॉयलट परियोजना ये आंवला बरेली में है। और आंवला क्या है? आंवला बेसिकली बरेली की एक तहसील है। और निजी क्षेत्र के संयंत्र जो हो गई हमारी रोज़ा, दादरी, अनपरासी और ये 12, ये क्या है? हमारी निजी क्षेत्र के संयंत्र हैं। अब आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश का जो है परिवहन की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो क्या है। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जून 1972 में। प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 21 भागों में बांटा गया है। प्रदेश से गुजरने वाली सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 34, जिसकी लंबाई कितनी है? 723 किलोमीटर। यद्यपि जो पूर्व से प्रदेश से गुजरने वाला सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH 2 था, पहले क्या था, पहले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH 2 था। लेकिन 2010 में क्या हुआ, सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसका नाम NH 2 समाप्त करते हुए इसको 2 भागों में बांट दिया था, NH 19 और NH 44, इसमें विभाजित कर दिया किया था। तो अभी वर्तमान में क्या है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है प्रदेश से गुजरने वाला? तो NH 34 है। इसकी लंबाई कितनी है? 723 किलोमीटर। अब प्रदेश से गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे तो NH 552 है, जिसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में मात्र कितनी है? 4 किलोमीटर है। शताब्दी बस सेवा लखनऊ और गोरखपुर के बीच में ही है। अभी महानगर बस सेवा 6 जुलाई 1992 को कानपुर नगर से। सारथी जो है हमारी क्या है, सॉफ्टवेयर आधारित ड्राइविंग लाइसेंस की स्मार्ट कार्ड योजना है। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर और पूर्व से पश्चिम का कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर और पूर्व से पश्चिम का जो कॉरिडोर है वो एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं? वो एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। अब प्रदेश के एक्सप्रेसवे के बारे में बात कर लेंगे तो यमुना एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई कितनी है? 165 किलोमीटर। ये 6 लेन वाला हाईवे है। और ये कहाँ किसके किसके बीच में? ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच में है। ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच में यमुना एक्सप्रेसवे, इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? 4 जिले हैं, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा। यमुना एक्सप्रेसवे में कौन से जिले शामिल हैं? गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा। फिर हमारा दूसरा आ जाता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई कितनी है? 302 किलोमीटर। ये भी 6 लेन वाला है और एतमादपुर आगरा से लखनऊ के बीच में है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आगरा से लखनऊ के बीच में है। आगरा में कहाँ पे? एतमादपुर से लखनऊ में। अब इसमें कितने जिले शामिल हैं? इसमें 10 जिले शामिल हैं। कौन कौन से? आगरा, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई और लखनऊ। इसमें 10 जिले शामिल हैं। यह एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से लखनऊ दिल्ली से जोड़ा गया है। इसको जोड़ दिया गया है कहाँ? लखनऊ दिल्ली से। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में बात करेंगे तो ये इसकी लंबाई जो है वो कितनी है हमारी? 340.82 किलोमीटर। और ये 6 लेन वाला क्या है? 6 लेन वाला हाईवे है। और इससे इस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 120 मीटर होगी। अब ये कहाँ से कहाँ तक है जो हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है? लखनऊ से गाजीपुर के बीच में। इसमें 9 जिले शामिल हैं। कौन कौन से 9 जिले हैं वो? लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। अब हमारी बात करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में बात कर लेंगे तो ये 8 लेन वाला हाईवे है और इसकी लंबाई जो है वो 594 किलोमीटर है। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये मेरठ से प्रयागराज के बीच में है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के बीच में। मेरठ में कहाँ से? बिजौली गांव से। और प्रयागराज में कहाँ पे? जूदापुर, दांडू गांव में। अब इसमें कितने जिले शामिल हैं? इसमें 12 जिले शामिल हैं। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं और शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। गंगा एक्सप्रेसवे में कितने जिले शामिल हैं? 12। यह भी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है और इसके बारे में विशेष क्या लिखा, यहाँ पे कुछ विशेष जानकारी दी गई है कि 1 अप्रैल 2022 को इस योजना को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जोड़ने व गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से बढ़ाते हुए वाराणसी तक जोड़ने का, कहाँ तक जोड़ेगा? वाराणसी तक जोड़ने का प्रस्ताव भी विभागीय मंत्री ने दिया है। अब यहाँ पे कुछ अन्य एक्सप्रेसवे हैं उनके बारे में भी पढ़ लेंगे हम लोग फटाफट से। ऊपरी गंगा नहर एक्सप्रेसवे 216 किलोमीटर है। ये किसके बीच में है? ग्रेटर नोएडा से देहरादून के बीच में। कंट्रोल एक्सेस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, ये आगरा और लखनऊ के बीच में 300 किलोमीटर, 6 लेन वाला। लखनऊ योजना और नागपुर योजना के बारे में बात करें तो ये किसकी है, किस लिए है? ये सड़कों के विकास से संबंधित योजना है। RIDF योजना, अगर RIDF योजना पूछे तो वे क्या है? ये नाबार्ड की सहायता से गाँवों को क्या है?
पक्की सड़कों से जोड़ने की योजना है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे ये 91 किलोमीटर आजमगढ़ से निकलकर गोरखपुर तक बनाया गया है। कौन सी? गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। ये किस 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 बीच में? आजमगढ़ से निकलकर गोरखपुर तक के बीच की। अब रेल परिवहन के बारे में बात करेंगे तो रेल पथ के मामले में क्या है? उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। पहली रेलगाड़ी जो है इलाहाबाद से कानपुर के बीच में 1859 में चली थी। देश व यूपी का सबसे छोटा रेल मंडल जो है, देश का पूछे तब भी मुगल सराय और यूपी का पूछे तो फिर तो मुगल सराय है। एशिया व भारत का सबसे लंबा बिजली लोको सेट जो है वो मुगल सराय है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पूछेगा तो गोरखपुर है, कितना है? 1366.33 मीटर। डीजल इंजन कारखाना हमारा कहाँ है? मडुआडीह में है। रेल सवारी कोच कारखाना कहाँ है? लालगंज में है। रेल पहिया कारखाना ये हमारा रायबरेली में है। रेल डिब्बा रिपेयर कारखाना कहाँ पे है? रेल डिब्बा रिपेयर कारखाना गोरखपुर में है। क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान गाजीपुर। रेलवे संग्रहालय लखनऊ, सॉरी रेलवे संग्रहालय वाराणसी। उत्तर प्रदेश में उत्तर रेलवे जोन को सर्वाधिक विस्तार है। सबसे विस्तारित जो रेलवे जोन अगर पूछे तो वो हमारा उत्तर रेलवे जोन है। देश में कुल 18 रेलवे जोन है। भारत में रेलवे मंडल जो है कितने हैं? 18 हैं। इनमें से 5 रेलवे जोनों की लाइनें जो हैं उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि 18 में से कितने जो हैं वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, तो 5 रेल जोन। भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी प्रयागराज एक्सप्रेस है। सबसे लंबी रेलगाड़ी प्रयागराज एक्सप्रेस, इसमें कितने कोच हैं? 26 कोच लगे हुए हैं। अब वायु परिवहन के बारे में बात कर लेंगे तो वर्तमान में प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय, कितने? 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों सहित कुल 8 हवाई अड्डे भी हैं। यहाँ पे प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में बात कर लेंगे। 2 तो हमारे क्या हैं? चल रहे हैं। कौन सा है? एक तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका पहला नाम, इसके पूर्व में इसका नाम क्या था? बाबतपुर हवाई अड्डा। ये कहाँ पे? हमारा वाराणसी में है। दूसरा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको अमौसी हवाई अड्डे के नाम से जानते थे। ये कहाँ है? हमारा लखनऊ में है। और ये ताजपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो प्रस्तावित है, ये कहाँ बनेगा? फिरोजाबाद में। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका निर्माण हो रहा है कुशीनगर में। आगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आगरा में है। अब आगे बात करेंगे जो और भी हमारे हवाई अड्डे हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये तो ऊपर हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे और ये हवाई अड्डे हैं। तो चकेरी हवाई अड्डा जो कि कानपुर में है, नागरिक हवाई अड्डा ये भी कानपुर में है, खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है, सर सावा हवाई अड्डा सहारनपुर, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद, जेवर निजी प्राइवेट है, और हवाई अड्डा ये कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में जेवर हवाई अड्डा। फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली, डॉक्टर अम्बेडकर हवाई अड्डा मेरठ में है। अब आगे बात करेंगे इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी कहाँ पे अगर पूछेगा तो फुर्सतगंज रायबरेली में। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग आगरा। भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट कहाँ पे? पक्षी तालाब लखनऊ में। आर्मी एविएशन सेंटर झांसी में। भारत की पहली डाक सेवा 18 फरवरी 1911 इलाहाबाद के नैनी से। भारत की पहली टेलीग्राफ जो स्टार्ट हुई थी ये उत्तर प्रदेश में है, और भारत की बात कर रहे हैं ना कि भारत में पहली जो डाक सेवा है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से स्टार्ट हुई थी, और भारत की जो पहली टेलीग्राफ सेवा है वो उत्तर प्रदेश के आगरा कोलकाता से स्टार्ट हुई थी। अब बात करेंगे जल परिवहन के बारे में तो भारत सरकार ने गंगा नदी में जो है वो प्रयागराज से हल्दिया तक के, हल्दिया कहाँ है? हमारा पश्चिम बंगाल में, तक के जो 1620 किलोमीटर लंबे मार्ग को 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर एक घोषित किया है, जो देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। तो देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? प्रयागराज से हल्दिया के बीच में। प्रयागराज हमारा उत्तर प्रदेश में है, हल्दिया हमारा पश्चिम बंगाल में। इनके बीच का जो राष्ट्रीय जलमार्ग है उसे नंबर एक घोषित किया है। अब हम आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था के परिदृश्य से हम उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो 4 आर्थिक जोन है उत्तर प्रदेश के। एक तो पूर्वी क्षेत्र है जिसमें 28 जिले शामिल हैं, पश्चिमी क्षेत्र जिसमें 30 जिले शामिल हैं, और ये हमारा क्या है? पश्चिमी क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है आर्थिक दृष्टि से, और केंद्रीय क्षेत्र 10 जिले शामिल हैं, और बुंदेलखंड क्षेत्र जो कि सबसे सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है, और यहाँ पे कितने जिले शामिल हैं? 7 जिले शामिल हैं। और उत्तर प्रदेश में टोटल जिले कितने हैं? 75 हैं, और इन्हीं 75 को आर्थिक जोन की दृष्टि से 4 क्षेत्रों में बांट दिया गया है, पूर्वी पश्चिमी और केंद्रीय बुंदेलखंड क्षेत्रों में। अब प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान जो है वो सबसे ज़्यादा हमारा तृतीय क्षेत्र का है, फिर प्राथमिक क्षेत्र का, फिर द्वितीय क्षेत्र का। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान जो है वो सेवा क्षेत्र का है। देश के कुल आय में उत्तर प्रदेश का योगदान जो है लगातार क्या हो रहा है? घट रहा है।
प्रदेश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला अगर पूछे तो गौतम बुद्ध नगर, प्रदेश में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला बलरामपुर, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सर्वाधिक उद्यमों की संख्या गाजियाबाद में सर्वाधिक उद्यम है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में न्यूनतम उद्यम उद्यम अगर पूछे तो वो सोनभद्र में है हमारे। अब सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला अगर जिला पूछे तो गौतम बुद्ध नगर, न्यूनतम रोजगार प्रदान करने वाला चित्रकूट क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है और सबसे पिछड़ा क्षेत्र है बुंदेलखंड क्षेत्र। यहाँ पे हम लोगों ने जैसे कि अभी पढ़ा। अब राजस्व विभाग के बारे में बात कर लेंगे तो राज्य सरकार की आय का स्रोत जो है सर्वाधिक हमारा जो है उत्तर प्रदेश के कुल व्यापारिक जून कितने हैं 20 हैं। सर्वाधिक कर संग्रहण लखनऊ जोन से, न्यूनतम कर संग्रहण झांसी जोन से। आबकारी कर के बारे में बात करेंगे तो दूसरा सर्वाधिक आय का स्रोत है तो पूर्वांचल विकास निधि योजना 1990-91 की, बुंदेलखंड निधि योजना 1990-91 की, सीमावर्ती क्षेत्र विकास योजना है ये भी 1998-99 की, बुंदेलखंड विकास निगम की स्थापना जिसका मुख्यालय क्या है झांसी है उसकी स्थापना जो हुई थी अप्रैल 2008 में हुई थी। औद्योगिक विकास की दृष्टि से देख लेंगे तो सर्वाधिक रोजगार जो है भारत हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है तो सर्वाधिक रोजगार जो है वो कृषि क्षेत्र से है। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार हथकरघा उद्योग से है। प्रदेश का सबसे बड़ा हथकरघा उद्योग भी जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश में है। और दीनदयाल योजना जो हमारी वो किससे संबंधित है वो हमारी हथकरघा उद्योग से संबंधित है। जनश्री बीमा योजना वो हमारे हथकरघा उद्योग एवं पावरलूम से संबंधित है। सिल्क साड़ी वाराणसी की, दरिया सीतापुर, कटपट पर्दा गाजीपुर, पाइल वर्क अमरोहा और टेरिटावेल गाजियाबाद, जरी दरदोजी जो है रामपुर, मलमल पर छपाई ये जो मथुरा की, ये कुछ प्रसिद्ध चीज़ें हैं कि कहाँ की कौन सी चीज़ प्रसिद्ध है इसके बारे में दिया गया है यहाँ पे। अब आगे पढ़ लेंगे सहतूती रेशम अनुसंधान विकास केंद्र अगर पूछे ये तो ये कहाँ पे है सुबकपुर गोंडा में है सहतूती रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र। और टशर रेशम अनुसंधान विकास केंद्र ये हमारे सोनभद्र में है। दूरी रेशम तो ये रेशम के कुछ प्रकार हैं कि सहतूती रेशम अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है सुबकपुर गोंडा में है, टशर रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र सोनभद्र में है और दूरी रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ पे है हमारा औरैया में। चीनी उद्योग के बारे में बात करेंगे तो भारत की पहली जो चीनी मिल है वो कहाँ पे है 1903 में प्रतापपुर देवरिया में है। गन्ना के बारे में बात कर लेंगे तो गन्ना जो है उत्तर प्रदेश गन्ना विकास किसान संस्थान 1975 में ही लखनऊ में स्थापित हुआ था। और उत्तर प्रदेश शोध परिषद जो है गन्ना शोध परिषद पूछे तो शाहजहाँपुर में, उत्तर प्रदेश गन्ना समिति संघ लिमिटेड जो है वो लखनऊ 1949, उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग 1935, गन्ना शोध एवं बीज संवर्धन केंद्र कहाँ है शाहजहाँपुर में, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है शाहजहाँपुर में, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड 1971, कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है हमारा गाजियाबाद में है, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही की क्या प्रसिद्ध है कालीन, न्यू इंडिया फार्मास्यूटिकल ये कहाँ पे है हरदोई प्रदेश की पहली है। और कालीन अब यहाँ पे देख लेंगे कि कहाँ का क्या फेमस है उसके बारे में बात किया गया है तो कालीन जो है हमारी भदोही की है, भदोही और मिर्ज़ापुर की, पीतल की वस्तुएं मुरादाबाद वाराणसी में, चिकनकारी लखनऊ, कांच की वस्तुएं फिरोजाबाद, कास्ट पादुका बांसुरी ये पीलीभीत, मिट्टी के बर्तन खुर्जा, कास्ट नक्काशी सहारनपुर, चीनी मिट्टी के बर्तन जो है वो चिनहट, कागज सहारनपुर, पीतल कला झांसी की, बांस बरेली और जरी जो है वो बरेली का है, पॉली फाइबर बाराबंकी, मेटल क्राफ्ट मुरादाबाद, कपड़ों की छपाई फरुखाबाद, वुड कॉटिंग सहारनपुर, लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर, ग्लास बीड्स वाराणसी, बीड़ी मिर्ज़ापुर झांसी, परफ्यूम जो है हमारे कन्नौज का है, मार्बल वर्क आगरा, सिंथेटिक रसायन बरेली, रबर मोदीनगर, उर्वरक आंवला ये बरेली की एक तहसील है, विस्फोटक कानपुर। अब यहाँ पे कारखानों के बारे में बात की गई है कि कौन सा कारखाना कहाँ पे है तो जूट कारखाना जो है कानपुर सहजनवा कानपुर में भी है जूट कारखाना और सहजनवा गोरखपुर में भी है, तेल शोधन कारखाना जो कि मथुरा में है और फास्फेट उर्वरक कारखाना अगर बात करें तो इलाहाबाद में है और मगरवारा कानपुर में भी है, सीमेंट कारखाना चुनार मिर्ज़ापुर और चुर्क डाला ये भी मिर्ज़ापुर में है सीमेंट कारखाना, यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को
जो कि फूलपुर में है, और शक्तिमान जो कि जगदीशपुर अमेठी में है, अफीम कारखाना गाजीपुर में है। अफीम कारखाना कहाँ पे है? गाजीपुर में है अफीम कारखाना। बायोसल्फाइड कारखाना ये कानपुर में है। भारत एक्सप्लोसिव बारूदी फैक्ट्री जो है वो कहाँ है? ललितपुर में। कृत्रिम रबर कारखाना मोदीनगर गाजियाबाद में है। पॉलिस्टर रेसा फैक्ट्री बाराबंकी में है। मदर डेयरी दूध प्लांट इटावा में है। मदर डेयरी दूध प्लांट कहाँ पे है? इटावा में। भारत स्टील रोलिंग मिल जो है वो मेरठ में है। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में है। स्टील अथॉरिटी लिमिटेड जगदीशपुर। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कहाँ पे है? कानपुर में। कृत्रिम अंगों का निर्माण होता है। केंद्र सरकार द्वारा 2006 में शुरू प्रमुख क्लस्टर्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो कॉर्पोरेट क्लस्टर भदोही, पॉटरी क्लस्टर्स खुर्जा, लेदर क्लस्टर्स चौरी चौरा, मिंट क्लस्टर्स बदायूं, ब्लैक पॉटरी आजमगढ़, मेगा हथकरघा आजमगढ़। अब बात करेंगे प्रमुख औद्योगिक संस्थानों के बारे में बात कर लेंगे। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिकी विकास लिमिटेड कानपुर, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग लिमिटेड कानपुर, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड लखनऊ, उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम लिमिटेड ये भी कानपुर में है। औद्योगिक विकास प्राधिकरण कितने हैं? कुल 6 औद्योगिक विकास प्राधिकरण बात करें तो ये 6 हैं। कौन कौन से हैं? नवीन ओखला गौतम बुद्ध नगर नोएडा में, गीडा गोरखपुर 1988 से है, सहतरिया सीडा जो कि जौनपुर में है, यमुना ताज नोएडा आगरा में है, लीडा लखनऊ में, और वृद्धा नवीन ओखला जो है वो ग्रेटर नोएडा में है। तो ये कितने हो गए हमारे? 6 औद्योगिक विकास प्राधिकरण कितने हैं? 6। अब एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार जो है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार कहाँ पे है? हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। मुख्य सेठ जो है नोएडा भदोही मुरादाबाद आगरा कानपुर में है। अब निवेश मित्र योजना के बारे में बात करें तो निवेश मित्र योजना क्या है हमारी? 2009 में एकल खिड़की व्यवस्था से निवेश, और उद्योग बंधु योजना जो है वो क्या है? औद्योगिक इकाइयों की समय बट स्थापना। उन्नाव जो है वो चमड़ा और डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है हमारा उन्नाव। प्रथम निर्यात औद्योगिक पार्क जो है वो ग्रेटर नोएडा में, प्रथम निर्यात औद्योगिक पार्क की बात करें तो कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश की उच्चतम वृद्धि दर 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और खुर्जा जो है हमारा बुलंदशहर में है, जो चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश। अब प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से देख लेंगे कि उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, इसका क्या योगदान है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है पीजीआई के बारे में बात करेंगे तो पीजीआई हमारा लखनऊ में है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंसेस्टिफ्लाइटिस रिसर्च के AMU जो कि हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेनियल साइंस रिसर्च है। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है हमारा? मेरठ में है। और नक्षत्रशालाएँ इनके बारे में बात कर लेंगे तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख जो नक्षत्रशालाएँ हैं उनके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो कि लखनऊ में है, और वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला जो कि गोरखपुर में है, ये सबसे बड़ी नक्षत्रशाला है गोरखपुर में वीर बहादुर नक्षत्रशाला। जवाहर नक्षत्रशाला इलाहाबाद में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला रामपुर लेजर तकनीक पर आधारित है। भारत का जैव प्रौद्योगिकी नगर लखनऊ। नील हरित सहवाल जैव उर्वरक परियोजना ये कहाँ की है? लखनऊ में पक्षी तालाब में। जेट्रोफा क्लोनिंग परियोजना ये भी लखनऊ पक्षी तालाब में। प्रदेश में विज्ञान का सबसे बड़ा पुरस्कार, प्रदेश में विज्ञान का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है तो विज्ञान गौरव पुरस्कार 1974 राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विकास की स्थापना हुई थी। राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विकास की प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में स्टेट डाटा सेंटर लखनऊ। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना क्या है? जनवरी 2009 से राज्य के 6 जिलों में शुरुआत हुई है इसकी ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना में। खान परियोजना ये शासकीय सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए है। और चिकित्सा प्रौद्योगिकी के बारे में बात करें तो 1983 में SPGI की स्थापना, इसी के द्वारा देश के पहले टेलीमेट्रिसिन संस्थान की स्थापना हुई। राष्ट्रीय मानसिक चिकित्सा ये वाराणसी और बरेली में होती है, और मानसिक चिकित्सा
वाराणसी और बरेली में। संक्रामक रोग चिकित्सा जो है मथुरा, फैजाबाद और मिर्ज़ापुर में। संक्रामक रोग चिकित्सा मथुरा, फैजाबाद और मिर्ज़ापुर में। और राज्य का पहला एड्स हॉस्पिटल अगर पूछेगा तो कहाँ पे है, कानपुर मेडिकल कॉलेज में है। राज्य का पहला एड्स हॉस्पिटल कहाँ पे है, कानपुर मेडिकल कॉलेज। पर्यावरण के बारे में बात करेंगे तो पर्यावरण की दृष्टि से जो है 1976 में पर्यावरण निदेशालय का गठन, सर्वाधिक एड्स रोगी वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश ये क्या लिखे यहाँ पे, हाँ 1976 में पर्यावरण निदेशालय का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये 1982 13 जुलाई में। जल व वायु प्रयोगशाला के बारे में बात करेंगे तो ये लखनऊ में है हमारी। ताज ट्रेपेजियम परियोजना 1999 की है। मीनार्श व नाकाम ये नदियों के जल की शुद्धता की जांच। मीनार्श व नाकाम क्या है, नदियों के जो जल है उसकी शुद्धता की जांच करता है मीनार्श व नाकाम। जिला प्रदूषण कार्यक्रम चार झीलें रामगढ़ गोरखपुर की है। मानसी गंगा जो कि मथुरा की है। लक्ष्मीताल झांसी, मदर सागर जो कि महोबा का है। अब उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो प्रदेश की जनसंख्या में 0.6% जो है एसटी है। 0.6 प्रदेश की कुल जनसंख्या में 0.6% जो है वो एसटी है। और प्रदेश की जनजातियां जो सूचीबद्ध नहीं है वो कौन कौन सी है, इनको सूचीबद्ध नहीं किया गया है, माहीगीर और बनरावत सबसे छोटी है। बनरावत जौलान तथा फैजाबाद में कोई जनजाति नहीं पाई जाती। हाँ ये क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पे जो है एक कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती, तो जौलान और फैजाबाद क्षेत्र में जो है कोई भी जनजाति नहीं है। अब जनजाति जो है और जनजाति और उनसे संबंधित ज़िले हम लोग पढ़ लेंगे। जो सहरिया जनजाति है वो ललितपुर ज़िले में है। खरवार, देवरिया, बलिया और सोनभद्र ज़िले में पाई जाती है। गोंड जो है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, यहाँ पे गोंड जनजाति। बैगा जो है वो सोनभद्र क्षेत्र में है। पंखा या फिर पनिका वो सोनभद्र में है। अगरिया जो है सोनभद्र में। पठारी सोनभद्र, पुक्सा बिजनौर, भुइया और बुनिया जो है सोनभद्र में है। और चेरो जनजाति जो है वो सोनभद्र और वाराणसी क्षेत्र में पाई जाती है। तो गोंड के बारे में याद कर लेंगे कि महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर और देवरिया में हमारी गोंड जनजाति पाई जाती है। थारू जनजाति की बात करेंगे तो किरतास वंशी जनजाति है थारू जनजाति। ये प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। संयुक्त परिवार वाली प्रथा थारू जनजाति में संयुक्त परिवार वाली प्रथा है। मुख्य आराध्य देव जो है थारू जनजाति के वो शिव है। मुख्य आराध्य देवी जो है वो काली है। मुख्य भोजन जो है चावल, पेय अगर पूछे तो चावल की जाड़ यानी मदिरा, चावल की मदिरा है। तो थारू जनजाति जो है वो प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। और यहाँ पे कौन सी प्रथा है, संयुक्त परिवार वाली प्रथा है। और इनके जो आराध्य देव हैं वो शिव हैं। और मुख्य आराध्य देवी की बात करें तो काली हैं। और मुख्य भोजन चावल और पेय जो है उनका चावल की जाड़ यानी चावल की मदिरा। अब प्रमुख त्यौहार अगर उनका है तो बजहर जो कि वैसाख ज्येष्ठ के महीने में मनाई जाती है पीपल बरगद के नीचे, और मकर संक्रांति, दीपावली ये शोक के रूप में मनाते हैं। तो कौन सी जनजाति है जो दीपावली और दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, तो कौन सी जनजाति है हमारी, किस जनजाति के बारे में हम बात कर रहे हैं, थारू जनजाति। थारू जनजाति जो है हमारी दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। स्त्रियाँ अपनी मारी गई मछलियाँ खाती हैं। और बदला विवाह यहाँ पे बदला विवाह प्रथा प्रचलित है। विधवा विवाह का भोज जिसको बोलते हैं क्या, वट भरवा, लखीमपुर खीरी में इनके लिए विश्वविद्यालय बनाया गया है। हाँ तो जनजाति के लिए जो जनजाति ये थारू जनजाति के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है कहाँ पे, लखीमपुर खीरी में। बुक्सा जनजाति, बुक्सा या फिर भोक्सा ये बिजनौर क्षेत्र में पाई जाती है। और पतवार राजघराने से संबंधित है बुक्सा जनजाति। और मुख्य भाषा जो है इनकी ये हिंदी है। हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है इनमें बुक्सा जनजातियों में। और मुख्य भोजन जो है इनका मछली और चावल है। और अर्थव्यवस्था का जो आधार है इनका, ये अर्थव्यवस्था इनका जो कमाई का क्षेत्र है वो कृषि है। मुख्य आराध्य देवी इनकी चामुंडा देवी है, किसकी, बुक्सा जनजाति की। और राजनीतिक संगठन का सर्वोच्च जो है वो तखत। और नौकरी करना इनको पसंद नहीं है, बुक्सा जनजाति को, वेरी गुड, इनको तो नौकरी करना ही नहीं पसंद है, यहाँ नौकरी के लिए इंसान परेशान है। अब खरवार या फिर खैरवार जनजाति तो मुख्यतः सोनभद्र, देवरिया और बलिया गाजीपुर क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी, खरवार या फिर खैरवार जनजाति। इनका नृत्य जो है कर्मा नृत्य किस जनजाति का है, तो कर्मा नृत्य जो है वो खरवार जनजाति का है। इनका जो पर्व है कौन सा है, जीवतिया।
पे मदिरा खूंखार प्रकृति के होते हैं ये लोग। कौन? खरवार या खैरवार। जैसे कि इनके नाम से ही हमको पता चल रहा है कि खरवार या खैरवार ये खूंखार प्रकृति के होते हैं। स्त्रियां जो है वो टोना जादू टोना करने में क्या होती हैं? माहिर होती हैं। कौन सी जनजाति की? खरवार जनजाति की। अब माहिरगीर जनजाति जो कि क्या है हमारी बिजनौर क्षेत्र में पाई जाती हैं माहिरगीर, और इस्लाम धर्मानुयायी अधिकारी बादशाह वजीर एकीकृत जनजाति विकास परियोजना लखीमपुर सोनभद्र थारू विकास परियोजना ये कहाँ की है? बलरामपुर की। बुक्सा जनजाति विकास परियोजना जो है वो नजीबाबाद की है। बिखारी जनजाति विकास परियोजना ये सोनभद्र की है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में एसटी का जो परसेंट है ना एसटी कुल जनजाति एसटी जनजाति क्षेत्र जो है वो 0.6% है। और शहरिया जनजाति जो है हमारी ललितपुर की है शहरिया जनजाति। अब उत्तर प्रदेश शिक्षा व्यवस्था और यहाँ की साहित्य और पत्रिकाओं के मामले में देख लेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन जो इलाहाबाद में हुआ था 1910 में हुआ था। हिंदुस्तानी एकेडमी है इलाहाबाद में 1927 में स्थापित हुई थी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी कहाँ पे है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ में। तो ये सारी तीन चारों चीज़ें लखनऊ में, उर्दू अकादमी, हिंदी संस्थान, संस्कृत संस्थान, भाषा संस्थान, ये लखनऊ में है। अब उत्तर प्रदेश को 17 शिक्षा मंडलों में बांटा गया है। कितने शिक्षा मंडल में? 17 शिक्षा मंडल में बांटा गया है। तो राज्य हिंदी संस्थान बनारस वाराणसी, राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा, भोजपुरी भवन कहाँ पे है? बनारस यानी वाराणसी, और कन्हैयालाल मणिकलाल हिंदी संस्थान आगरा में है। प्रदेश का पहला कॉलेज म्योर सेंट्रल कॉलेज 1858 में स्थापित हुआ था। उर्दू प्रशिक्षण व अनुसंधान केंद्र अभी हमने पढ़ा लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 1972 में, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन 1972 में, और उच्च शिक्षा निदेशालय का गठन, तीनों का ही गठन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 26 जुलाई 2011 से लागू हुई। उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो है 26 जुलाई 2011 से लागू हुई। उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद जो है 2017 में लखनऊ में स्थापित है। अब योजनाएं यहाँ पे कुछ योजनाएं हैं बात कर लेंगे उनके बारे में। सर्व शिक्षा अभियान 2001 दो 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए जो है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है वो 2004 से ये 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं को 5 से कक्षा 8 तक की आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए है। कौन सी? कस्तूरबा गांधी विद्यालय। मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील जो योजना है वो 1995 से प्रदेश के 38 जनपदों में और 1996 से सभी जनपदों में क्या हो गई? लागू की गई। तो 1995 में प्रदेश जब लागू हुई थी तो वो क्या 38 जनपदों में लागू हुई थी, और फिर 96 से सारे जनपदों में हमारे पूरे 75 जिलों में क्या हो गई थी? लागू हो गई थी। 2004 से पका पकाया भोजन दिया जाने लगा, और 11वीं योजना में इसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी क्या कर दिया गया था? जब 11वीं पंचवर्षीय योजना आई उससे क्या हुआ? इसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी लागू कर दिया गया था। अब संपूर्ण साक्षरता अभियान 1991 ये 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लिए है। अनौपचारिक शिक्षा योजना 1975 की है। शिक्षा मित्र 2000 से 2001 के बीच की है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 प्राइमरी विद्यालयों में खेल कूद से संबंधित है। साक्षर भारत मिशन 2009 15 वर्ष से अधिक बालकों के लिए अधिक के बच्चों के लिए है। विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट योजना 2003 की है, कंप्यूटर शिक्षा पर आधारित है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना ये 2009 इस अभियान में 2020 तक माध्यमिक शिक्षा के ड्रॉप आउट दर को क्या करना है? शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कब? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत। व्यावसायिक शिक्षा योजना के बारे में बात कर लेंगे तो 1989 में से 1989 से 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थियों को रोजगार परक शिक्षा देना था। अब प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय इनकी बात कर लेंगे तो प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि झांसी में है, और राजीव गांधी विश्वविद्यालय जो कि रायबरेली में है। ये हमारे क्या है? 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अब प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे। मुक्त विश्वविद्यालय वो कौन सा है? राजर्षि टंडन जो कि इलाहाबाद में। प्रदेश देश का पहला
प्रदेश और देश का, प्रदेश का भी पहला है और देश का भी पहला महिला विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पे है हमारा, रायबरेली में है। अब कृषि विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो 6 हैं, जो कि 4 जिसमें से 4 क्या हैं, राजकीय हैं और एक राजकीय डीम्ड है और एक केंद्रीय है। तो ये 6 कृषि विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से हैं। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, फैज़ाबाद में। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय, ये कानपुर 1975 में स्थापित हुआ था। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यहाँ पे है, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय वो अयोध्या में है। बांदा कृषि विश्वविद्यालय वो बांदा 2010 में स्थापित हुआ। सैम हिगिनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज विश्वविद्यालय, जो कि नैनी हमारे प्रयागराज में है। अब बात करेंगे राज्य उच्च शिक्षा के अधीन निजी विश्वविद्यालयों के बारे में बात कर लेंगे, जो कि प्रमुख हैं। तो इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ में है, एमिटी विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर, मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है, GLA विश्वविद्यालय जो है मथुरा, शिवनादर विश्वविद्यालय दादरी गौतम बुद्ध नगर, शोभित विश्वविद्यालय सहारनपुर, द ग्लोबल विश्वविद्यालय सहारनपुर, मोनार्ड विश्वविद्यालय हापुड़ में है। ये कुछ खास नहीं है, पर फिर भी हम लोगों ने पढ़ लिया यहाँ पे। अब राज्य विधि द्वारा निर्मित चिकित्सा विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे, तो राज्य विधि द्वारा निर्मित चिकित्सा विश्वविद्यालय तो दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा एवं गौ अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है हमारा, मथुरा में। किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय KGMU ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में। उत्तर प्रदेश अनुसंधान परिषद लखनऊ। अब केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे तो 4 हैं हमारे, कौन कौन से। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी में। राष्ट्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान झलवा प्रयागराज में। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान 2002 में स्थापित हुआ, जो कि प्रयागराज में है। अब विकलांग विश्वविद्यालय, ये बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो विकलांग विश्वविद्यालय प्रदेश में हमारे 2 हैं, कौन कौन से। एक तो जगत गुरु रामभद्र विश्वविद्यालय जो कि चित्रकूट में है, पहला विकलांग विश्वविद्यालय है। और उत्तर प्रदेश विकलांग उदार डॉक्टर शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय जो कि लखनऊ में। तो 2 हमारे क्या हैं, विकलांग विश्वविद्यालय, ये बहुत ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे, आपको याद रखने हैं। तो अब आगे पढ़ेंगे, प्राविधिक संस्थान के बारे में बात कर लेंगे तो उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंधन संस्थान लखनऊ में है, फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट रायबरेली में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग लखनऊ में है। प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज दयाल बाग डीम्ड विश्वविद्यालय आगरा में है। डॉक्टर अम्बेडकर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप्ड ये उत्तर प्रदेश में के कानपुर में है। प्रदेश का पहला निजी सूचना विश्वविद्यालय तो ये महर्षि योगी विश्वविद्यालय जो कि लखनऊ में है। अब बात करेंगे स्वास्थ्य शिक्षा के संबंधित, अगर बात करेंगे तो JJ कैंसर संस्थान कहाँ पे हमारा, वो कानपुर में है। JJ कैंसर धन्वंतरी चिकित्सा विश्वविद्यालय ये लखनऊ में है। सेंटर ऑफ बायोमैग्नेटिक रेजोनेंस ये लखनऊ में है। ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ पे है, लखनऊ में। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ थैल्मोलॉजी सीतापुर में है। उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान अगर पूछे तो लखनऊ में है। मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन केंद्र मस्तिष्क ज्वर वो गोरखपुर में है। मानसिक चिकित्सा संस्थान आगरा बनारस और बरेली में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान ये कहाँ है, कानपुर में है। और लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स ये कहाँ है, लखनऊ में। अब आगे बात करेंगे एक खेल प्रशिक्षण संस्थान के बारे में, प्रदेश में कौन से खेल प्रशिक्षण संस्थान है। तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो है वो लखनऊ में है, प्रदेश का पहला खेल प्रशिक्षण संस्थान है। कौन सा है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पे, लखनऊ में है। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में है। एकलव्य स्टेडियम ये कहाँ पे है, अंबेडकर नगर में है। अब राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान ये फैज़ाबाद में है, फैज़ाबाद जो कि अब हमारा अयोध्या हो गया है। भाषा की दृष्टि देखेंगे तो 6 जनवरी 1968 प्रदेश के सभी कार्यालयों में जो है राजभाषा कौन सी हो, हिंदी हो गई। और 1989 में उर्दू जो है द्वितीय राजभाषा घोषित हो गई थी। अब पत्र पत्रिका और उनसे संबंधित
कि वो कहाँ से प्रकाशित की गई थी उनके बारे में पढ़ लेंगे। तो आरोग्य जो है वो गोरखपुर से है, कल्याण गोरखपुर से, नई तालीम वाराणसी से है, बाल सखा ज्ञान भारती लखनऊ से है, विश्व भारती, ये कुछ पत्रिकाएँ हैं, इनके बारे में पढ़ लेंगे। अब प्रदेश के प्रमुख महोत्सव, हाँ इनके बारे में पढ़ लेंगे कि कौन सा महोत्सव कहाँ पे किस क्षेत्र में मनाया जाता है। तो सुलह कुल जो है ये पूछा भी गया है, सुलह कुल जो है वो आगरा का है, कबीर महोत्सव मगहर का है, कांपिल महोत्सव फरुखाबाद, ताज महोत्सव जो है वो हमारा आगरा का है, कजली महोत्सव महोबा क्षेत्र में है, आयुर्वेद महोत्सव झांसी का है, होलिकोत्सव मथुरा का है, मथुरा में होली मनाई जाती है तो होलिकोत्सव जो है मथुरा का है, कल्कि महोत्सव संभल का है, बिठूर महोत्सव कानपुर का है, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है वो प्रयागराज का है, और राम बाराती महोत्सव जो है वो कहाँ पे, आगरा में। अब प्रदेश के पार्क, यहाँ पे कुछ पार्क दिए गए हैं वो भी पढ़ लेंगे। नॉलेज पार्क जो है वो ग्रेटर नोएडा में है, नॉलेज पार्क, नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में, इको पार्क लखनऊ में है, अपैरल जो है पार्क है वो गोरखपुर में भी है और कानपुर में भी है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में क्या है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, साइंस पार्क जो है संडीला हरदोई में है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है वो लखनऊ में है, इको नॉलेज पार्क जो है वो है खुशरवा, जीवाश्म पार्क सलखन सोनभद्र में है। अब आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थानों के बारे में बात कर लेंगे। तो यहाँ क्या है, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर में है, इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट पल्स दाल, तो दाल अनुसंधान कहाँ पे है, कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है, कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान कहाँ पे है, कानपुर में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप तो कानपुर में है। तो कानपुर के ये कुछ प्रमुख संस्थान हैं। अब नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज जो है वो कहाँ पे है, लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनिकल रिसर्च कहाँ पे है, लखनऊ में है। राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, लखनऊ में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च लखनऊ, आम जो है हमारा लखनऊ का है, मलिहाबाद से फेमस है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो है वो भी लखनऊ में है। इंडियन शुगर केन गन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछे तो लखनऊ में, और नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछे तो वो कहाँ पे है, कानपुर में। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस लखनऊ में है, बीरबल शाहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलियोबॉटनी लखनऊ में, आयुर्वेद रिसर्च सेंटर लखनऊ में है, न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान, हाँ ये क्वेश्चन बना था एक बार किसी एग्जामिनेशन में कि न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, लखनऊ में है। नेशनल रिसर्च फॉर मीट इज्जत नगर बरेली में है, और सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली में है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इज्जत नगर बरेली में, निफ्ट रायबरेली में है, नेशनल एवियन ट्रेनिंग कॉलेज बमरौली इलाहाबाद में है, नेशनल बॉटो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे है, गाज़ियाबाद में है। अब आगे बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री अगर बात करें तो हमारा झांसी में है, और केंद्रीय चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है वो हमारा झांसी में है। सेंट्रल गेट रिसर्च इंस्टीट्यूट मथुरा में है, केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र कहाँ पे है, खुर्जा, कांच की चीज़ें जो है खुर्जा बुलंदशहर की फेमस है, तो इससे भी हम अनुमान लगा लेंगे अपना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो है वो कहाँ पे, बनारस में है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज हापुड़, वीवीगिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा, कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, गाज़ियाबाद, स्कूल फॉर पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर, कागज़ के लिए सहारनपुर फेमस है तो सहारनपुर। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च हमारा जो है वो मेरठ में है। टॉय सिटी या फिर वेब सिटी के बारे में के नाम से प्रसिद्ध है ग्रेटर नोएडा, साइबर सिटी प्लास्टिक सिटी कानपुर, क्रोनिका सिटी गाज़ियाबाद, आईटी सिटी ग्रेटर नोएडा लखनऊ, साइबर थाने जो है वो हमारा कहाँ पे, आगरा और लखनऊ में, कवाल सिटी कानपुर इलाहाबाद बनारस लखनऊ और आगरा। फॉरेंसिक लैब के बारे में बात करें तो आगरा और लखनऊ में। आलू अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के बारे में बात करें तो बाबूगंज गाज़ियाबाद में। अमरूद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र इलाहाबाद परिषद। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद तो ये शाहजहाँपुर में। अब बात करेंगे राज्य का पहला
तो राज का पहला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो राज का पहले के बारे में बात कर लेंगे। तो राज यानी उत्तर प्रदेश का पहला ई विलेज जो है वो कहाँ है, बबूरा गांव मंझनपुर कौशाम्बी में। राज्य का पहला साइबर लैब आगरा में। राज्य का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो नोएडा में। राज्य का पहला फिल्म सेंटर नोएडा। पहला खेल गांव आगरा। पहला महिला उद्यमी पार्क जो है वो ग्रेटर नोएडा में। पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ। ई डिस्ट्रिक्ट पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। पर्यावरण हेल्पलाइन वाहन ट्रैकिंग प्रणाली लागू करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ई विलेज योजना शुरू करने वाला पहला जिला कौशाम्बी। सैटेलाइट टाउन पिलखुआ हापुड़। सौर ऊर्जा चलित प्लांट रामपुर झांसी। राज्य का पहला तैरता ऊर्जा संयंत्र अगर पूछे तो कहाँ पे है, रिहन बांध पर बना है। और राज्य हिंदी संग्रहालय कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। सांप्रदायिक हिंसा शोध केंद्र जुकराहा आजमगढ़। प्रथम चीनी मिल जो है प्रतापपुर देवरिया। देश का सबसे बड़ा क्लस्टर्स बरेली क्लस्टर्स एग्रो पार्क बाराबंकी वाराणसी में है। तो अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में भी बात कर लेंगे फटाफट से, जो उत्तर प्रदेश से फेमस हैं। निज़ामुद्दीन औलिया जो कि क्या कौन थे कि महान सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया जो थे जो कि उत्तर प्रदेश के बदायूं से बिलोंग करते हैं। 1236 में इनका जन्म हुआ था। यह सूफी संत बाबा फरीद के क्या थे, शिष्य थे। ज़ियाउद्दीन बरनी जो कि दिल्ली सल्तनत के प्रमुख इतिहासकार हैं। ज़ियाउद्दीन बरनी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के निवासी थे। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में प्रदेश उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से हैं। अमीर खुसरो के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। वह फारसी भाषा के महान कवि व इतिहासकार थे। उनकी उपाधि उनको तूतीय हिंद की उपाधि से फेमस हैं ये। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी माना जाता है अमीर खुसरो को। तो ये इंपॉर्टेंट है अमीर खुसरो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कासगंज जिले के पटियाली नामक गाँव से नामक स्थान से। और ये फारसी भाषा के महान कवि हैं। इनको तूतीय हिंदी के नाम से फेमस हैं और इन्हें खड़ी बोली का जनक माना जाता है। टोडरमल ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन ही बन चुके हैं हमारे एग्जामिनेशन में। तो टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के लहरपुर गाँव में हुआ था। वर्तमान में नायब तहसीलदारों के प्रशिक्षण केंद्र का नाम जो है वो राजा टोडरमल के नाम पर ही हरदोई में स्थित है। नायब जो तहसीलदार हैं उनका जो प्रशिक्षण केंद्र है हरदोई में उसका नाम जो है राजा टोडरमल के नाम पर ही हरदोई में स्थित है। अबुल फजल जो है वो शेख मुबारक के पुत्र थे और फैजी के छोटे भाई थे। यह फारसी संस्कृत अरबी व हिंदी के विद्वान थे। इन्होंने अकबर के दक्षिण के कई अभियानों में भाग लिया। उत्तर प्रदेश के आगरा के निवासी थे। कौन, अबुल फजल। बीरबल यह भी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इनका मूल नाम जो था ये भी इम्पॉर्टेंट है। बीरबल जो है अकबर के मूल 9 रत्नों में से एक थे और इनका मूल नाम क्या था, महेश दास। उत्तर प्रदेश के जालौन से बिलोंग करते थे, जालौन के कालपी से। शेख फैजी अबुल फजल के छोटे भाई थे। यहाँ पे हम लोगों ने भी पढ़ा शेख फैजी अबुल फजल के छोटे भाई थे। इनका जन्म भी आगरा में हुआ था। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारियों के बाद इतिहास के आईने में उत्तर प्रदेश के जो प्रथम अध्याय में हम लोगों ने हमने अपने पहले पार्ट में क्या किया था इसके बारे में पढ़ लिया था। यहाँ पे कुछ और जो बाकी के बचे नेता हैं उनके बारे में क्रांतिकारियों के बारे में बात की गई। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता रहे। मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था, प्रयागराज में। प्रयागराज से बिलोंग करते हैं। मोतीलाल नेहरू इनका जन्म भी प्रयागराज में हुआ था। कब हुआ था, 1861 में। इन्होंने तत्कालीन समय में इनकी गिनती विश्व के 10 प्रमुख वकीलों में की जाती थी, मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इनका जन्म जो है 14 नवंबर 1889 में प्रयागराज में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल या उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर से हैं राम प्रसाद बिस्मिल। और काकोरी केस में इन्हें क्या हुआ थी, गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद ये भी हमारे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अलीराजपुर मध्य प्रदेश में हुआ था इनका जन्म, लेकिन मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका है ना, उन्नाव के ये बदरकापुर गांव के निवासी हैं, बदरका के निवासी हैं हमारे। मंगल पांडे जो कि 1857 की क्रांति के नायक हैं मंगल पांडे, और इनका जन्म 1827 में उत्तर प्रदेश के बलिया। मंगल पांडे कहाँ से बिलोंग करते हैं, बलिया से। चित्तू पांडे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अस्थाई सरकार बनाने वाले चित्तू पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया से हैं चित्तू पांडे भी। और लाल बहादुर शास्त्री इनका जन्म भी जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं इनका जन्म भी 2 अक्टूबर 1904 को चंदौली जिले में है ना, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के मुगलसराय से हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं।
अब बात करेंगे साहित्यिक व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे तो दास जी थे वो भी हमारे उत्तर प्रदेश के वाराणसी से थे। सूरदास ये भी मथुरा के सीही में है, इनका जन्म हुआ था। तुलसीदास राजापुर ग्राम चित्रकूट से हैं। रैदास या फिर रविदास तो ये वाराणसी से हैं। भूषण ये कानपुर के हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर वाराणसी से हैं। लल्लू लाल जिनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं सिंहासन बत्तीसी और बैताल पच्चीसी वो आगरा से बिलोंग करते हैं। बैताल पच्चीसी किसकी है? लल्लू लाल की। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? आगरा की। मुंशी प्रेमचंद जो कि बनारस से हैं। और भारतीय हरिश्चंद्र ये भी बनारस से हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी हमारे उन्नाव से हैं। महादेवी वर्मा ये फरुखाबाद से हैं। जयशंकर प्रसाद बरेली से हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी ये भी रायबरेली जयशंकर प्रसाद वो बनारस से हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि रायबरेली से हैं। मैथिली शरण गुप्त ये झांसी से बिलोंग करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो बस्ती से हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बलिया। सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे ये कुशीनगर से बिलोंग करते हैं। वृंदालाल वर्मा जो कि झांसी के हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद वाराणसी। राहुल शंकरानंद आजमगढ़। धर्मवीर भारती प्रयागराज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो साहित्यिक योगदान के क्षेत्र में भी क्या है हमारे उत्तर प्रदेश से कई सारे लोगों ने कई सारे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान दिया और हमारे उत्तर प्रदेश से हैं वो। अब हम आगे पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के जो पर्यावरणीय संबंधी जो मुद्दे हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे। पर्यावरण निदेशालय का गठन जो हुआ 1976 में पर्यावरण निदेशालय का गठन कब हुआ? 1976 में किया गया, जिसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे हैं? मेरठ और वाराणसी में है। 1975 में उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1975 में हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। तथा प्रदेश भर में इसके 25 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड इसकी स्थापना 1975 में हुई, मुख्यालय लखनऊ में है और इसके अंतर्गत 25 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन 2009 में, गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण 2009 का है। झील प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम में प्रदेश की 4 झीलें, अभी हमने ऊपर भी इसके बारे में पढ़ा था कि रामगढ़ जो कि गोरखपुर, मानसी गंगा मथुरा, लक्ष्मीताल झांसी की है और मदन सागर जो कि महोबा का, इसको शामिल किया गया है झील प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम में। नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत 21 प्रमुख नगरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगाए गए हैं। मार्च 2011 से राज्य में 40 माइक्रोन की मोटाई तक की पॉलीथीन बैन कर दी गई है। मार्च 2011 से जो उत्तर प्रदेश में है क्या 40 माइक्रोन की जो मोटाई है 40 माइक्रोन मोटाई की जो पॉलीथीन है उनको बैन कर दिया गया है। प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 1975 में किया गया है। अब नक्षत्रशाला के बारे में हम लोगों ने ऊपर पढ़ रखा है कि कौन सी नक्षत्रशाला कहाँ पे है, तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है और ये वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला सबसे बड़ी नक्षत्रशाला है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर से है। जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला को पूर्व में भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला इसका नाम था। अब वर्ष 2000 के पश्चात जो ज़िले बने हैं वो कौन से हैं? हाँ, वर्ष 2000 के पश्चात ये ज़िले बने हैं। कासगंज 2008 में बना, संभल जो है 2011 में, हापुड़ 2011 में, सामली 2011 में, अमेठी है ना हमारा नवीनतम ज़िला है जो कि 2013 में बना। रायबरेली और सुल्तानपुर का कुछ क्षेत्र काट के हमारा अमेठी बना था। उत्तर प्रदेश की पंचायती नगर निकाय प्रणाली के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब का है? 1947 का है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम जो है 1961 में लाया गया था। और ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला परिषद प्रणाली यानी है ना ये लागू की गई थी। और फिर 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों की कार्य शक्तियों उत्तरदायित्व क्या किया गया था, इनको उत्तरदायित्व के संबंध में व्यापक व्यवस्था की गई थी। 11वीं अनुसूची में वर्णित विभागों में 16 कार्य जो है पंचायतों को हस्तांतरित किए गए थे। अब जिला पंचायत के बारे में बात कर ले तो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था जैसे कि हम लागू है तो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में सबसे ऊपर जो होता है वो क्या होता है? जिला पंचायत होती है। इसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव क्षेत्र जो है वो कौन करते हैं? क्षेत्र पंचायत के वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव चुने जाने के पश्चात 1 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता। जिला पंचायत अपने सदस्यों में से
छह प्रकार की समितियां बनती हैं। एक तो यह था प्रशासनिक समिति, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति। और जैसे कि हमें ज्ञात है कि जिला पंचायत के राजनैतिक जो जिला पंचायत के जो पहले राजनैतिक प्रमुख होता है वो कौन होता है, अध्यक्ष होता है। प्रशासनिक प्रमुख जिला पंचायत राज्य अधिकारी होता है, और मुख्य विकास अधिकारी जिसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य विकास अधिकारी भी बोलते हैं। अब क्षेत्र पंचायत के बारे में अगर हम बात कर ले तो त्रिस्तरीय पंचायत जो प्रणाली है उसमें दूसरे स्थान पर कौन आती है, हमारा क्षेत्र पंचायत आता है। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख जिसको हम ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं, एक उपप्रमुख होता है, और प्रमुख का जो चुनाव होता है वो ग्राम सभा द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा होता है। और जिला पंचायत की तरह क्षेत्र पंचायत के प्रमुख और उपप्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है वो उनके चुने जाने के एक वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। यहाँ पर भी जिला पंचायत की छः समितियाँ, यहाँ पर भी जिला पंचायत की कितनी समितियाँ, जिला पंचायत की तरह ही क्षेत्र पंचायत में छः समितियाँ जो है उनका गठन किया जाता है। जैसे कि ज्ञात है कि क्षेत्र पंचायत का राजनैतिक जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, ब्लॉक प्रमुख। क्षेत्र पंचायत का राजनैतिक प्रमुख कौन होता है, ब्लॉक प्रमुख। वही प्रशासनिक प्रमुख और खंड विकास अधिकारी BDO होता है। जो BDO होता है वही क्या होता है, वो हमारा क्षेत्र पंचायत का राजनैतिक प्रमुख होता है यानी ब्लॉक प्रमुख, और खंड विकास अधिकारी यानी BDO होता है। अब जो तीसरा स्तर है वो कौन सा है, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष प्रधान होता है ग्राम का, और जिसका चुनाव प्रत्यक्ष के रूप में ग्राम सभा के 18 वर्ष के आयु के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। और ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 साल। किसी ग्राम पंचायत की पहली बैठक उसके गठन के 30 दिन के अंदर होना चाहिए, ग्राम पंचायत की पहली बैठक गठन के 30 दिन के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद सामान्यतः प्रत्येक माह एक बैठक होनी चाहिए, दो बैठकों के बीच 2 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। किसी ग्राम प्रधान को हटाने के लिए, कोई भी ग्राम प्रधान है उसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए, 15 दिन पहले सूचना देकर ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जाती है। बैठक में ग्राम सभा के कम से कम एक तिहाई सदस्यों का अनिवार्य होना क्या है, अनिवार्य है। इस बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रधान को हटाया जा सकता है। यदि बैठक में प्रधान को हटाने संबंधी प्रस्ताव पास ना हो तो ऐसा दूसरा प्रस्ताव इस बैठक के 1 वर्ष बाद ही लाया जा सकता है, ठीक है। अगर पहली बार लाया गया और उसमें प्रधान को हटाने से संबंधित चीज़ें नहीं हो पाई, प्रस्ताव नहीं पास हो पाया, तो फिर हम दोबारा से 1 वर्ष के बाद ही ये बैठक ला सकते हैं। जैसा कि ज्ञात है कि ग्राम पंचायत का जो राजनीतिक प्रमुख होता है वो कौन होता है, वो प्रधान होता है। वही प्रशासनिक प्रमुख भी होता है और वही पंचायत सचिव भी होते हैं। अब नगर निकाय प्रणाली के बारे में हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत कब से हुई, 1916 संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम और संयुक्त प्रांत अधिनियम द्वारा की गई थी। 74वें संविधान संशोधन के बाद एक नया कानून बन गया जिसके द्वारा राज्य के संपूर्ण नगरीय क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। यद्यपि उत्तर प्रदेश में 4 प्रकार के नगर पाए जाते हैं जिनकी घोषणा राज्यपाल के द्वारा, उत्तर प्रदेश में 4 प्रकार के नगर पाए जाते हैं जिनकी घोषणा कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा की जाता है, किया जाता है। एक तो महानगरीय क्षेत्र, बृहत्तर नगरीय क्षेत्र, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र और संक्रमणीय क्षेत्र। तो महानगरीय क्षेत्र कौन से होते हैं, जहाँ 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो क्षेत्र होते हैं वो महानगरीय क्षेत्र होते हैं। इनमें नगर निगम की स्थापना की जाती है, और 5 लाख से यहाँ पे क्या होती है, नगर निगम। और 5 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र एवं 10 लाख से कम आबादी, 5 लाख से अधिक और 10 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र जो होते हैं वो नगरीय क्षेत्र होते हैं, वृहत्तर नगरीय क्षेत्र। इसमें भी नगर निगम की स्थापना की जाती है। और लघुत्तर नगरीय क्षेत्र जो है वो कौन से होते हैं, 1 लाख से अधिक और 5 लाख से कम आबादी वाले जो क्षेत्र होते हैं वो लघुत्तर नगरीय क्षेत्र होते हैं। इसमें नगर पालिका परिषद, इसमें किसकी स्थापना होती है, नगर पालिका परिषद की स्थापना की जाती है। और संक्रमणीय क्षेत्र कौन से होते हैं, 15,000 से अधिक व 1 लाख से कम जो आबादी वाले क्षेत्र होते हैं वो संक्रमणीय क्षेत्र कहलाते हैं। इसके लिए नगर पंचायत की स्थापना की जाती है। अब आ जाएंगे हम नगर निगम के बारे में बात कर लेंगे। तो नगर निगम जो होता है वो निकाय का सबसे उच्च स्तर नगर निगम है। नगर निगम में एक प्रमुख, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है, मेयर जिसको बोलते हैं, और एक उपमेयर होते हैं। 3 प्रकार के कई सारे सभापति और कई सारे सभापति सॉरी सभासद यानी पार्षद होते हैं। एक तो नगर प्रमुख जिसको मेयर बोलते हैं, नगर प्रमुख जो है मेयर के चुनाव की नगर चुनाव जो होता है, मेयर का चुनाव कौन करते हैं, नगर की वयस्क जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। नगर प्रमुख जो है 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, और पद ग्रहण की स्थिति यानी पद ग्रहण की जो तिथि है वो 2 से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यदि 2 वर्ष के बाद प्रस्ताव लाया गया
और वो पास नहीं हुआ तो फिर उस बैठक से 2 वर्ष तक ऐसा विश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। अब नेक्स्ट सभासद के बारे में बात कर लेंगे। तो सभासद में 3 प्रकार के सभासद हैं। सभासद के अंतर्गत 3 प्रकार के सभासद होते हैं। कौन कौन से? निर्वाचित, मनोनीत और पदेन। निर्वाचित सदस्य प्रत्येक वार्ड से एक एक चुने जाते हैं, जिनके लिए यह आवश्यक है कि उनका नाम निर्वाचक सूची में क्या हो और उम्र कितनी हो, 21 वर्ष से कम ना हो, और विधानमंडल का सदस्य होने की योग्यता रखते हों। निगम में निर्वाचित सभासदों की संख्या 60 से कम और 110 से अधिक नहीं हो सकती। निगम में मनोनीत सदस्यों 5 से 10 के राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। इन्हें मत का अधिकार नहीं होता। प्रदेन सदस्यों में नगर क्षेत्र वाले MP, MLA, राज्यसभा और विधानसभा परिषद के सदस्य आते हैं। निगम सभा में अनेक समितियां होती हैं, किंतु इनकी संख्या जो होती है वो 12 से अधिक नहीं होती है। अब नगर पालिका परिषद के बारे में बात कर लेंगे। तो नगर पालिका परिषद में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। नगर पालिका परिषद में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। अध्यक्ष का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया जाता है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 25 से 55 के बीच होती है। मनोनीत सदस्यों की संख्या 3 से 5 के बीच की होती है। जहां नगर निगम में 12 से अधिक समितियां नहीं हो सकती, वहीं नगर पालिका परिषद में क्या होती है, इनकी संख्या 5 से अधिक नहीं हो सकती है। अब नगर पंचायत में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। अध्यक्ष का चुनाव जहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है, वहीं उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचन के द्वारा होता है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 10 से कम और 24 से अधिक नहीं हो सकती। अब उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम कब का है? 1975 का है। लोक सेवा प्राधिकरण का गठन 1976 में, और पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1985, उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण 1987, और फिर हमारी आ गई उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 7 अक्टूबर 2002 में। इसी के साथ हमारा उत्तर प्रदेश जो हमारा UP स्पेशल जो है हमारा वो क्या होता है, समाप्त होता है। और आई होप कि ये PDF आपके लिए क्या महत्वपूर्ण साबित होगा।